जर्नलिस्ट है आप, तो जर्नलिस्ट का सवाल करो, उन्होंने यारे बोल कैसा बोलते हैं आप? आपको बोले कान में बोले क्या, सिगरेट है क्या कुछ? को आप चाह रहे मैं जाके लड़ू कॉमेडी? आप चाह रहे? सुनो, दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना? हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहा है। केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है और मोदी लहर हर एक राज्य में किस तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये बात आप बखूबी समझ ही सकते हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 28 राजनीतिक दल एकजुट हो गए, 28 राजनीतिक दल चुनौती दे रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, जीत का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में कई लोकसभा सीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा करेंगे एक बार फिर से अमेठी लोकसभा सीट के बारे में, जहां से बीजेपी की महिला नेत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तकरीबन 55,000 मतों के वोटों के अंतर से हरा दिया था। और अब देखा जाए, कयास यही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या वाकई में राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि अटकलें तो ये भी तेज हो गई हैं कि 9 दिसंबर को जब अमेठी में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर, तो ऐसे में इसे इस तरह से भी देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी की अमेठी में वापसी हो सकती है, उनकी वापसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक वक्त वह भी अमेठी से चुनाव लड़ती हुई नजर आई हैं। अटकलें ये भी तेज हुई कि राहुल गांधी अगर किसी भी सूरत में अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो यहाँ से आगे प्रियंका गांधी वाड्रा को किया जा सकता है। खैर, ये तो बात हुई यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन बात यहाँ पर की जाए किसी अन्य दल के बारे में, तो इस बीच यहाँ पर एक बेहद बड़ा बयान सामने आया जिसके चलते सियासत हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं यहां पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, वह क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। यूपी में करें, आप जाके यूपी में केरल में कर सकते हैं ना, वो यहाँ नहीं आ रहे कैसे भी। दूसरी बात क्या है, नहीं आ रहे बोल दिया आपको, बोल दिया, आप उनके तर्जुमान है या जर्नलिस्ट है? जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट से सवाल करो, उन्होंने यहाँ बोल कैसा बोलते हैं आप? अच्छा, आपको बोले कान में बोले क्या, सिगरेट है क्या कुछ? को उनके तरफ कोई रेस्पॉन्स नहीं आया ना? नहीं आया तो आंदोलन। आप सुनिए, आपका सवाल क्या है, बोलो आप जी। नहीं, आपका सवाल, आप इंडिया में हर जगह जाके कॉन्टेस्ट करें। अच्छी बात, आप सुन लीजिए, आप चाह रहे मैं जाके लड़ू कॉमेडी? आप चाह रहे? नहीं, आप चाह रहे मैं अमेठी जाऊं? सुनो, आर्गुमेंट प्लीज। नहीं, दूल्हे भाई नहीं गए तो हार गए, समझे ना? हम नहीं गए तो अमेठी हार गए, अब गए तो कितना रोएंगे, सोच लो आप। नहीं गए तो स्मृति ईरानी उनको हरा दी, बाबा दादा की सीट, बार बार ये कांग्रेस ही बोलते दारू सलाम गोशा महल में ले जा, दादा की सीट तुम्हारी दादी की वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट दलाई राहुल गांधी को, इसलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है, और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि MIM पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है माइनॉरिटीज की, एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा मेरे खिलाफ, कोई भी।
आपने सुना कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के चलते कांग्रेस से यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी, यानी कि वायनाड से। लेकिन अब यहां पर उनका कहना है कि हम नहीं गए तो वह अमेठी से हार गए, और अब यहां पर उनका यह भी कहना रहा कि हम जाएंगे तो क्या वह इतना रोना नहीं रोएंगे। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो मुस्लिम वोट बैंक को संभालते हुए नजर आते हैं, तो आने वाले समय में यहां पर मुस्लिम वोट बैंक को किस तरह से AIMIM की पार्टी संभालती हुई नजर आएगी, और आखिरकार किस तरीके से स्मृति ईरानी अपने वोट बैंक को साधती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यहां पर महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसे लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं। बीजेपी राज्य में है, केंद्र में है, और ऐसे में देखा जाए तो सभी का यही कहना है कि किस तरह से बीजेपी जो देखा जाए तो कई राज्यों में है तो वहीं केंद्र में भी है, तो बीजेपी पर सवाल यही उठ रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। स्मृति ईरानी जो कांग्रेस के राज्य में सिलेंडर लेकर रोड पर बैठ जाती हैं, सड़कों पर बैठ जाती हैं, और आज बीजेपी के राज्य में जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो वह चुप्पी साधी हुई क्यों नजर आ रही है। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अगर इस पार्टी का समर्थन एक बार फिर से मिलता है तो क्या वह जीत पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी आखिरकार वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या फिर अमेठी से या फिर रायबरेली से, इस पर देखा जाए तो अभी मंथन चल रहा है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।